नमस्कार, मैं हूं दिबांजली मोइत्रा। बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर अपनी मृतक मां के कफन के साथ एक मासूम बच्चे का खेलते हुए वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव की ओर से ट्वीट किया गया। इस वीडियो में एक महिला का शव रेलवे स्टेशन पर है और उसके कफन से एक बच्चा खेल रहा है। संजय यादव ने ट्वीट करके लिखा, छोटे बच्चे को नहीं मालूम कि जिस चादर के साथ वो खेल रहा है वो हमेशा के लिए मौत में गहरी नींद सो चुकी उसकी माँ का कफन है। चार दिन तक ट्रेन में भूखे प्यासे रहने के कारण इस माँ की मौत हो गई। ट्रेनों में हुई इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? अब आपको इस वायरल वीडियो का सच बता देते हैं। घटना 25 मई की मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन की है। ये प्रवासी महिला अहमदाबाद से बिहार वापस लौट रहे थे। कटिहार जिले की रहने वाली मृतक महिला अहमदाबाद से श्रमिक एक्सप्रेस में अपनी बहन और जीजा के साथ मुजफ्फरपुर पहुंची थी। हालांकि रास्ते में महिला की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर प्रशासन को जैसे ही इस पूरे घटना की जानकारी मिली तो तुरंत ही पुलिस और जीआरपी मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर प्रशासन ने मृतक महिला के शव को उतारा और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक महिला के जीजा ने जो कहा वो भी आपको बता देते हैं। अचानक से मेरी साली की ट्रेन में मौत हो गई। ट्रेन में हम लोगों को खाने और पीने की कोई भी दिक्कत नहीं हुई। हालांकि ट्विटर पर ट्रेंड होने के बाद लगातार लोग मुजफ्फरपुर की इस घटना को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो की सच्चाई यही है कि इन लोगों के पास खाने के सामान की कोई दिक्कत नहीं थी, यानी कि ये भूख से नहीं मरे। ऐसे में तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव जो कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन मौत कैसे हुई ये देश जरूर जानना चाहेगा।